चलिए क्लास है, आज हम चैप्टर 3 का अगला थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है वो भी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके लिए देखिए, इसे क्वेश्चन है 5, 4, 7, 5, 6। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जैसे ये नंबर के राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये अनपेयर रह गया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो पेयर बच गया या फिर अनपेयर बचा उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए करना ये रहेगा हमें। ठीक है, उसके लिए करेंगे ये कि देखेंगे इसके स्क्वायर के आसपास है या बराबर है, इसके स्क्वायर के एकदम करीब में है या बराबर है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्योंकि ये 5 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 से बड़ा हो गया तो हम 2 यहाँ ले लेंगे और 2 यहाँ लेंगे, फिर यहाँ भी लेंगे। ठीक है, जो यहाँ डालेंगे वही इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखा था 2, 2 जाता है 4। क्लियर है, अब हमारा आया 1 और ऊपर से जब भी उतरेगा पेयर में उतरेगा, जैसे डिवाइड हो सकता 1 है यहाँ उतरेगा पेयर में 47 चल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब क्या है इधर वाले को ऐड कर देते हैं 2, 2, 4, 2 और 2 ऐड किया गया है, काफी मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको देखेंगे 4 पे जो डालेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए अगर हम 1 डालते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 41 होगा जो इससे बहुत नीचे है, तब 1 नहीं डालेंगे, 2 डाल के चेक करेंगे, तब क्या हो जाएगा 4 और 1 अभी भी बहुत नीचे है। फिर अब 4, 3, 3 डाले तो 9, 12 अभी भी नीचे है। अगर 4 डालते हैं 4, 4 तो देखिए 4, 4 जा 16, 4, 4 जा 16 हमारा 17, 4 डालने पे ज्यादा हो जाएगा 3 डालेंगे तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, फिर यहाँ 3 जगह पढ़ना चाहिए 1, 2, 3, फिर 3 भी 1, 2, 3। अब हमें क्या करना है इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, 43 से 3 में मल्टीप्लाई करके 129 हम लाए हुए थे तो 129 हम यहाँ पे ले लेंगे, 17 से 9 गया 8, ये बचा आपका 1, ये क्लियर। ठीक है, ये 6, ये 4, अब देखिए 18 बचा, अब आया 56 आपका, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है कि अब क्या डालेंगे कि ये आपका हो जाएगा, तो हम देखिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4, आपके पास था 4, 6 ऐड करने के बाद अब हम इसमें क्या डालें 4 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट एक बार चेक करते हैं 4 डाल के, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 और उसके बाद में क्या करेंगे कैरी 2 आया 4 4 जा 16 और 2 18। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो आ गया, अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया कितना डाला है यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। चलिए अभी आया 6 5 8 1, ये तो खत्म हो गया हमारी कहानी और ये ऐड कर देंगे 8 6 4, तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका ये आंसर होगा। मतलब अगर हम इतना का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो इतना आंसर आएगा, चाहे वो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते तो हमारा आंसर उतना ही आता। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो डेसिमल में लेके जाए, क्लियर है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और डेसिमल में लेके जाए, डिवीजन मेथड से नहीं है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7 हो, ठीक है, या 7 हटा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए इसको देखते हैं, अब ये क्या है, हम ये पेयर में बनाएंगे, यहाँ पेयर में बन गया। अब पेयर में बनने के बाद 34 को ऐसा चेक करेंगे कि किसके आसपास में है, तो 2 के आसपास में नहीं है, 3 के 9 होता है, 4 16 होता है, 5 25 6 36, तो 36 से ये इससे ज्यादा हो गया तो 5 चाहिए, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, अब ये 5 5 25 24, 4 में से 9 5 गया बचा 9 और ये आपका कहानी खत्म, ये आपका आएगा 10, ये आया 5 और ये 6। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या डालेंगे कि इसके जस्ट नीचे होगा, हमारे समझ से अगर हम 8 डालते हैं तो हमारा इसके जस्ट नीचे आएगा, जैसे देखिए 9 डाल के एक बार चेक कर लीजिए, 9 डालेंगे तो 9 9 81 और 9, देखिए इससे जस्ट बड़ा हो गया तो हम 8 डाल देते हैं, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी। चलिए
क्लियर है, एक यहां भी और एक यहां भी। अब देखिए एक एट या एक और एट सिक्स और ये वन और ये वन, एट एट या 64 कैरी सिक्स और ये सिक्स, एट वन या एट। अब देखिए सिक्स में से फोर गया टू, फिफ्टीन में से सिक्स गया नाइन और ये आपका खत्म। अब देखिए 92 आया तो अब हम डेसिमल डाल सकते हैं, कितना डाल के डेसिमल डाल सकते हैं क्योंकि अब ये थ्री डिजिट है वो टू डिजिट बचा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं डेसिमल डालेंगे। जैसे डिवाइड है डेसिमल के बदले में एक आपका जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बदले में पेयर में आएगा दो जीरो, क्लियर है। उतरता भी दो है, डेसिमल के बदले जीरो भी आता है दो। अब हम यहाँ पे कितना डालेंगे इसके आसपास आएगा, वन वन सिक्स है, अब हम इसके आसपास में कितना डाले, देखिए अप्रोक्सीमेट 1000 है, ये अप्रोक्सीमेट 9000 है, तो हम अगर एट डाल के चेक करें, एट यहाँ भी एक यहाँ भी, देखते हैं एक एट जा 64 कैरी सिक्स, एट फोर एक सिक्स जा 48, 48 और सिक्स 54 कैरी फाइव, एट फाइव 13 और कैरी वन, एट वन जा एट और वन नाइन, देखिए उससे ज्यादा बड़ा हो गया तो हमको सेवन डालना होगा, सेवन यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है हमको, तो सेवन यहाँ डाल लेते हैं, क्लियर है। सेवन सेवन जा 49 कैरी वन, सॉरी फोर, सेवन सिक्स जा 42 और फोर 46 कैरी, फिर फोर है और फिर सेवन वन जा सेवन और फोर 11 कैरी वन और सेवन और वन, सेवन और वन एट, ये आपका हो गया। अब देखिए 1 3 0 1, अब इतना आ गया। अब फिर हम डेसिमल के बदले पर जैसे वहां डिवाइड में एक बार में एक जीरो ले सकते थे, यहां भी एक बार में डबल जीरो लेंगे और दूसरी बार फिर हम डबल जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, फिर सेवन का सेवन 14 6 1 7 1 1, ठीक है। अब हम इसके आसपास क्या डालें, इसके आसपास कौन है, तो हम एक डाल के चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, 1 1 7 4 8 8 64 कैरी 6, 84 जा 32 और 6 38 कैरी 3, 87 जा 36 और 359 कैरी 5, 85 13 कैरी 1, 801 9, 9 को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो आगे चला जाएगा, 1 कैरी आएगा 10, 97 जा 63 कैरी 6, 96 हाँ ठीक है एक ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 8 डाल देंगे, अब यहाँ भी 8 डाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी 8। अब आपका क्या आया 9 3 9 8 4, अब ये देखिए 6 5 7 1 1, अब ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6 1, ये 1, इसके बाद में ये 9, ये फिर 0, मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक है। इसी तरह से आगे डेसिमल के जितने प्लेस तक बोले आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, नो डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3625, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3625 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, अब इसका हम चालू करते हैं। चलिए ये पेयर है, ये पेयर है, अब देखिए ये क्या रहेगा, सिक्स से तो लग ही जाएगा 36, सिक्स यहाँ सिक्स यहाँ सिक्स यहाँ, अब ये 36 हमारा लग चुका हुआ है, अब ये क्या आया 12 आया, ऊपर से ये कट गया रिमाइंडर 25 आपका बच गया। आप डिवाइड में भी जानते हैं कि जब ऊपर से रिमाइंडर उतर के बचता है तो एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ छोड़ देते हैं, करते हैं ऐसा काम, वहां मतलब वहां एक जीरो दे देते रिमाइंडर में डिवाइड में, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह देने के लिए सोचिए, ठीक है। तो एक जीरो हम क्या करेंगे यहाँ देंगे और एक जीरो यहाँ देंगे, अब हमारा 25 रिमाइंडर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोले व्हाट
मस्ट बी सब्ट्रैक्ट मतलब क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3625 में से रिमाइंडर हमारा आया था 25, तो ये आ गया 3600, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो निकल जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वह ये होगा 60। तो आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो कौन सा होगा 25, और जब वो नंबर कौन सा होगा तो 3600, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो 60। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 300, फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 300 में क्या ऐड किया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए 300 है, फिर वही काम हमारा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, इधर पेयर इधर वन पेयर, और देखिए वन वन वन, ये टू रिमाइंडर, डबल जीरो उतर जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखिए फिर इसे चेक करेंगे ये किसके आसपास में है, अब ये चेक करेंगे तो हमारे हिसाब से 2 है, अगर हम 7 डाल के चेक करते हैं तो 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14 और 4 18, ठीक है, ये इतना आया। अब हमको नहीं लगता है कि 1 डालेंगे तो इतना सारा कामयाब होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 8 64, कैरी 6, 8 2 16 और 6 22, उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हमको 7 लेना पड़ेगा, 7 यहां देखिए। अब इस केस में 7 नहीं लेंगे, व्हाट शुड बी मस्ट बी एडेड, अगर जब भी बात करें, जब भी अगर बात करें ऐड करने की बात, तो क्या करना चाहिए, देखिए व्हाट शुड बी मस्ट बी एडेड, तो आप एक चीज करिए, पहले तो इसको एक काम दीजिए कि इतना लिख दीजिए, 7 यहां डाल दिए, ठीक है। अब देखिए 7 डाल के कुछ फायदा मिलेगा नहीं, फिर हम थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड करके बताते हैं वो करना क्या है। 7 नहीं डालेगा, 7 जस्ट इसके नीचे आया तो इससे जस्ट ऊपर किससे आ रहा है, 8 में आ रहा है, 8 यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए 8 यहां पे डाल दीजिए, कैसे, जैसे देखिए ये 7 के बजाय हमने क्या किया 8 डाल दिया, यहां 8 पड़ गया, अब ये आया कितना हमारे पास 224, ठीक है, 1 हमने यहां भी डालना भूल गया तो ये 8 यहां चला गया। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे 36 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, मतलब 24 ये आएगा माइनस में, तो हम 24 अगर गिवन नंबर में ऐड कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है ऐसे, दूसरा तरीका क्या था कि देखिए दूसरा तरीका हम यही बताते हैं आपको, और वो नंबर क्या होगा, जैसे इसमें 300 में 24 ऐड कीजिएगा तो वो नंबर होगा 324, उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये और नंबर होगा ये, और ऐड करना होगा तो नंबर ऐड करेंगे 24, ठीक है। इसका दूसरा तरीका हम समझते हैं, चलिए इसको मिटा दे यहां पर, आप अलग से करिएगा, हम लोग यहां तक तो आ चुके थे, ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब इसके जस्ट नीचे वाला पे देखेंगे तो हम 7 डाल के कर सकते थे, ठीक है, 7 डाल के करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14 और 18, आपका ये आ जाएगा 43, और ये 1 ये 1 ये खत्म। अब एक चीज देखिए यहां यहां पे आपका आया क्या 17, तो 17 से जस्ट भरा, मतलब 17 का जस्ट भरा क्या सक्सेसर 1 18 18 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आता अगर 23 तो 24 का स्क्वायर करते, अगर आता 100 तो 101 का स्क्वायर करते, ये 18 का जो स्क्वायर आएगा वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और क्या ऐड कर रहा है, तो इसमें से जो गिवन नंबर दिया हुआ है मतलब 300 वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी हो जाएगा,
तो ये थोड़ा लेंदी है कि भाई आप 17 है तो 18 का स्क्वायर निकालिए तो ठीक है हमारे लिए आता है इनका, लेकिन जब बड़ा नंबर होता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम इशू होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा एक जब देखें कि इसे जब कड़ी है तो उससे थोड़ा सा बड़ा, जैसे 7 का यहाँ पर तो उस समय हम 8 ले लेंगे, उससे बड़ा ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए चार डिजिट का बड़ा नंबर 49 होगा। अब इसका वही काम, पेयर में ये पेयर है, ठीक है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये भी पेयर में है, ठीक है। अब देखेंगे किसके लिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 9 यहां 9 यहां तो 81 आएगा, ये 18 हो गया, ठीक है, ये 8, ये 1, क्लियर है, और फिर 9 9। अब इस केस में आप वही काम कीजिएगा कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड वाला नहीं, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला, जो आप इससे पहले वाले एग्जांपल में पढ़े हैं मस्ट बी सब्ट्रैक्ट वाला, तो इसके जस्ट बिलो जाइएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट बिलो अगर हम जाते हैं तो हम 1 है 8 है, हमारे हिसाब से ये 200, ये 18 9 7, 8 पे चेक करके एक बार देखते हैं, 8 से 8 एरिया 64, कैरी 6, 8 एरिया 64 और 6 70 8 7 15, अभी बहुत नीचे हम, ठीक है, 9 जाके चेक कर सकते हैं, 9 एक बार ले लेते हैं, 9 9 81, कैरी 8, 9 एरिया 72 और 8 80 और 9 1 9 और 7 16, मतलब 9 तक जा सकते हैं आराम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मिलेंगे और यहाँ भी 9, तो ये 9 यहाँ हो गया, ये आ गया 8 9 1, अब ये हो गया 1 6 0 1, ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आपका आ जाएगा 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 2, खत्म। तो मतलब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, मतलब ये 9 9 9 9 इतना बड़ा डिजिट है, इसमें से अगर आप 2 9 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो जो नंबर आएगा, मतलब आएगा कितना, 1 आएगा, फिर आपका 0 7 9, यही वो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है चार डिजिट का। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर एक भी ऐड करेंगे, फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट की बात हुआ है, हम अगर एक भी ऐड करेंगे तो वो 5 डिजिट में भाग जाएगा, और अगर लिस्ट की बात करता, अगर लिस्ट की बात करता तो एक भी डिजिट अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो वो क्या हो जाता, अगर फोर डिजिट के लिस्ट की बात करेगा, जैसे हम क्वेश्चन लिखवाते हैं, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट मस्ट बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे देखिए 100 होगा। अब इस 100 में से अगर एक भी हम घटाते हैं तो ये बैक रिवर्स में चला आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमको इसमें ऐड करना होगा, तो इसमें मस्ट बी एडेड वाला हम रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर पेयर चालू किया तो ये तो अनपेयर में बच गया, तो अब देखिए यहां पर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, अब देखिए 1 से 1 खत्म, ये 2 हो गया, यहां 1 खत्म, यहां 0 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 आया तो एक चीज समझिए, यहां पे तो अगर हम 1 भी डालेंगे तो इससे बड़ा होगा, तो हम 1 डालेंगे क्योंकि 0 डाल के, जैसे अगर देखिए 2 पे अगर 0 डाल के अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमने बोला था जो डाल के जो बराबर आया उससे जरा बराबर या छोटा है उससे बड़ा लेना, तो 0 नहीं डाल के क्या करेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 हम क्या करेंगे दोनों पे डालेंगे, 1 यहां 1 यहां, तो ये 1 और ये 21, अब हम क्या करेंगे 1 यहां 1 यहां, तो ये 21 हो गया, ये 2, अब देखिए 21 में से 0 कटेगा 21, मतलब 100 में 21 ऐड कर देंगे, 100 प्लस
21, मतलब देखिए मस्ट बी एडेड वाला हम यही बताया, तो ये 21 अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 3D का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं।